बीजेपी लालगंज के कार्यकर्ताओं ने महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश के नाम से महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी लालगंज सुरेंद्र नारायण त्रिपाठी को सौंपकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ी बंद फाइलों को खोलकर राम भक्तों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर उनका उत्पीड़न करने और अल्पसंख्यक तुष्टिकरण करने, समाज में विद्वेष और घृणा फैलाने का दोषी मानते हुए कर्नाटक सरकार को भंग करके उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र राय ने कहा कि कर्नाटक सरकार द्वारा किया जा रहा हिंदू विरोधी राम भक्त विरोधी कार्य कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा, कांग्रेस की सरकारें हमेशा हिंदू विरोधी कार्य करती हैं, अल्पसंख्यक और तुष्टिकरण का कार्य करती हैं, जिससे समाज में विद्वेष और घृणा का भाव फैलता है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर्नाटक सरकार और कांग्रेस की सरकारों द्वारा किए जा रहे हिंदू विरोधी कार्यों की निंदा करते हैं, इसके साथ कर्नाटक सरकार को भंग करने की मांग करते हैं। इस मौके पर राजेंद्र सिंह खन्ना, नागेंद्र सिंह, ओम प्रकाश सिंह, जिला मंत्री सुनील सिंह डब्बू, धीरेंद्र सिंह, सर्वेश राय, दिनेश सिंह, अशोक राय, अरुण सिंह अमिलिया, मिथिलेश सिंह, राजेश सिंह, शिवेंद्र राय, हरि यादव सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम अपने संगठन की तरफ से कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ जो उन्होंने राम भक्तों को 30 साल पहले मुकदमा उसको समाप्त कर दिया गया था, उसको पुनः वह जीवित करके दो लोगों को जो 80-80 साल के हैं उनको जेल में डाले हैं। हम इस अवैध और घृणित सोच के लिए हम लोग निंदा करते हैं और जो अल्पसंख्यकों का उसने तुष्टिकरण किया है उसकी घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं अपने ज्ञापन के माध्यम से, राज्यपाल और राष्ट्रपति के माध्यम से, कि उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए। भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। लालगंज कार्यकर्ताओं ने आज कर्नाटक सरकार के खिलाफ एक ज्ञापन दिया, जिसमें हम लोगों ने कर्नाटक सरकार के हिंदू विरोधी कार्यों के लिए हमने निंदा किया है और कर्नाटक सरकार को भंग करने की मांग की। इसमें केवल हमारा जो यह विरोध है कर्नाटक सरकार के प्रति नहीं बल्कि पूरे कांग्रेस सरकार के प्रति है, जो अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के नाते हिंदुओं की उपेक्षा करती है और उनके खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई करती है। यह कांग्रेस सरकार की मानसिकता को दर्शाता है जो कितना हिंदू विरोधी है। इसलिए हम लोगों ने आज कर्नाटक सरकार को भंग करने की मांग की है और यह मांग किया है कि पूरे देश में समान व्यवहार होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जात बिरादरी का मजहब का हो। और कांग्रेस सरकार ये भेदभाव करती है, हिंदुओं के प्रति उपेक्षा का भाव रखती है, दमनात्मक कार्रवाई करती है, उसका हम विरोध करते हैं। ऐसी सरकार को भंग करने की मांग करते हैं।